वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए वीडियो को लेके आ गया हूँ आपके पास। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने ओप्पो A520 के फोन में फ्री में वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी HD और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल थीम। जैसे कि देख सकते हो आपके स्क्रीन सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको चेंज होते दिखता होगा। यहाँ से आप जो है कि बहुत सारे अपना जो वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कैसे करना है आज वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल भी है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप वॉलपेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली से थीम स्टोर में जाना होगा। जैसे ही आप थीम स्टोर में चले जाइएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे पहले मैंने बताया था, ठीक है। आपको उसके बाद बहुत सारे यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वॉलपेपर में सिंपली सेलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ वॉलपेपर में सेलेक्ट करिएगा, आपको यहाँ डार्क वर्ल्ड में आपको एक वॉलपेपर का पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। न्यू सेलेक्टेड में आ जाएगा, बहुत सारा यहाँ पर आपको जो है वॉलपेपर आ जाएगा, देख सकते हो। अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है फ्रेंड्स, इसीलिए मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं ओपन हो पा रहा, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि ये वॉलपेपर को, इस डार्क वर्ल्ड को वॉलपेपर को चलिए देखा जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ मुझे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वॉलपेपर मैं डाउनलोड करूँ। फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, सिंपली मुझे अप्लाई का जरूरत है, ठीक है। सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर, जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहाँ मेरा जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो गया, देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैं आप दिखाता हूँ दूसरे वॉलपेपर को डाउनलोड करके, ठीक है। आपको सिंपली से बैक चले जाना है। सपोज मुझे ये वाले वॉलपेपर को डाउनलोड करना है तो प्रोसेस हो जाएगा, देख सकते हो फ्रेंड्स, है ना, काफ़ी कमाल का वॉलपेपर। तो ऐसे ही करके आप अपने वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हो। मैं बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलपेपर दिखाऊंगा। तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। बस आपको सिंपली से टच करना अप्लाई में और सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर में, जैसे ही अप्लाई कीजिएगा आपका जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसे बैक जाना, इसमें इनमें से कोई भी आप वॉलपेपर चाहते हो कि लगाना, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, न्यू सेलेक्टेड में चलते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर आप चाहते हो कि डाउनलोड करना, बस आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना है और यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन में डाउनलोड कर देना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर कोई भी एक रुपया का पैसा भी नहीं लगेगा, आपको सिंपली से सिर्फ सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। अब अगर आप चाहते हो कि कुछ पीपल्स का लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कोई फोटो को सेलेक्ट करके सिंपली से आपको डाउनलोड में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड में सेलेक्ट कीजिएगा आपका जो प्रोसेस हो जाएगा डाउनलोड, उसके बाद फिर आपको सिंपली से अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, तो आप वो ये डाउनलोड किए हुए फोटोज़ को, वॉलपेपर को कहाँ पर खोजे, तो आपको सिंपली से मी में जाना होगा, ठीक है। मी में जाने के बाद माई रिसोर्सेज में जाना होगा। जैसे ही माई रिसोर्सेज में जाइएगा आपको तीन तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, थीम, फॉन्ट, वॉलपेपर। तो आपको सिंपली से वॉलपेपर में चले जाना है और यहाँ प्री लोडेड के बगल में एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसके में आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपने जितनी भी वॉलपेपर अभी तक डाउनलोड की है वो आपको सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने बहुत सारे यहाँ डाउनलोड करके रखी है, तो मुझे आपको दिखाने में बहुत थोड़ा मुश्किल लगेगी, तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप अपना वॉलपेपर को डाउनलोड करिए। देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए, तो ये डाउनलोड हो रही, क्योंकि मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। अभी 25% हुई। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा वॉलपेपर टोटल तरीके, यहाँ पर जो मेरा वॉलपेपर है पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। बस सिंपली से अप्लाई में सेलेक्ट कर देना। जैसे ही अप्लाई सेट कीजिएगा आपको यहाँ सेट एज का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो इसे होम स्क्रीन वॉलपेपर में ले सकते हो और सेट एज होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में ले सकते हो। चलिए मैं होम स्क्रीन वॉलपेपर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली से आपको मिनिमाइज कर देना है। जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन के सामने दिखता होगा, ये जो वॉलपेपर है पूरे तरीके से यहाँ पर जो है अप्लाई हो चुका है। तो है ना, काफ़ी कमाल का ट्रिक्स। तो ऐसे करके आप बहुत सारे यहाँ पर वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।